फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बड़े पर्दे पर आने के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बाद भी लगातार ये फिल्म सफलता का परचम लहरा रही है। सोशल मीडिया पर भी हर तरफ द कश्मीर फाइल्स की ही बात हो रही है। इस फिल्म की सराहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। वहीं अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी इस फिल्म को लेकर अपनी राय जाहिर की है। हाल ही में आमिर खान डायरेक्टर एसएस राजामौली के फिल्म आरआरआर के प्रमोशनल इवेंट पर बतौर गेस्ट दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी बात की। बातचीत में एक सवाल के जवाब में आमिर ने कहा कि मैं कश्मीर फाइल्स जरूर देखूंगा, क्योंकि वे हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारे दिल को दुख पहुंचा है। इतना ही नहीं, आमिर ने यह भी कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीर में हुआ वो यकीनन बहुत दुख की बात है। अब उस टॉपिक पर एक ऐसी फिल्म बनी है तो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। मूवी कैसी है? नहीं, जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को यह याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। सो आई विल डेफिनेटली वॉच द फिल्म, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज सक्सेसफुल, एंड आई फील दैट दिस इज अ टाइम इन इंडिया विच वॉज सैड, विच आई थिंक दैट पीपल शुड लुक एट केयरफुली एंड रिमेम्बर। वैसे सिर्फ आमिर ही नहीं बल्कि बी टाउन से ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को अपना सपोर्ट दिया है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द की दास्तान दिखाई गई है, जिनका परिवार 1990 की उस काली घटना का शिकार हुआ था। ऐसे में कई स्टार्स ने इस फिल्म की खुलकर तारीफ भी की है। यामी गौतम। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस यामी गौतम की, क्योंकि उनके तो पति ही कश्मीरी पंडित है। यामी ने फिल्म को सपोर्ट करते हुए एक सोशल मीडिया पर लिखा था कि फिल्म में उन अत्याचारों की कहानी दिखाई गई है जिनका सामना कश्मीरी पंडितों ने किया था। यामी गौतम ने लिखा कि एक कश्मीरी पंडित से शादी होने के नाते वो इस शांति प्रिय समुदाय के अत्याचारों के बारे में पहले से जानती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इससे अनजान है। सच्चाई जानने में हमें 32 साल और एक फिल्म लगी। कृपया द कश्मीर फाइल्स देखें और इसका समर्थन करें। अक्षय कुमार। खिलाड़ी कुमार अक्षय ने भी अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैं जल्द ही इसे देखूंगा। ये एक अच्छी फिल्म है, मुझे इस बात की खुशी है कि थिएटर में दर्शक इसे देखने आ रहे हैं। जय अंबे। सुनील शेट्टी। बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी ने तो जमकर इस फिल्म की तारीफ की और ट्वीट में लिखा, कंटेंट सिर्फ किंग नहीं बल्कि ये साम्राज्य है। द कश्मीर फाइल्स में शानदार नैरेटिव और परफॉर्मेंस है। ये सबूत है कि अच्छी फिल्म एक काम करती है। अगर कोई बिग स्क्रीन के जरिए दर्द को महसूस कर सकता है तो मेकर्स का फुल मार्क्स जाते हैं। कंगना रनौत। पंगा क्वीन कंगना रनौत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यूं तो कंगना रनौत हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, लेकिन द कश्मीर फाइल्स को लेकर कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा था कि यह फिल्म साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक होगी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कई भ्रमों को तोड़ती है कि सिर्फ बड़े बजट की फिल्में ही अच्छी चलती हैं। इस फिल्म ने दर्शकों को वापस सिनेमाघरों में ला दिया है। थिएटर में एक भी सीट खाली नहीं है और इससे बॉलीवुड के चमचे सदमे में चले गए हैं। मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए, और हमारी जो इतिहास है जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारी हमारे देश की जो कैंसर है, टुकड़े गैंग सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है, हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टेक्स्ट भी हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके।
बॉलीवुड के भी बाप धो दिए इन्होंने, इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी ये फिल्म इतनी काबिल तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अभी क्या हुआ हुआ इनको। रितेश देशमुख, एक्टर रितेश देशमुख ने भी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, ये वक्त उस फिल्म को सराहने का है जो रिकॉर्ड तोड़ रही है, एक छोटी फिल्म बड़ी बनने की राह पर है। अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और पूरी टीम को बधाई, बहुत सारा प्यार।